हेलो बच्चों, आज आप लोग के लिए मैं सेट्स जो चैप्टर है उसका कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर गया हूँ। टोटल 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से ट्राई करो। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो वेल एंड गुड, मतलब आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करी है सेट्स चैप्टर का। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो लाइक एमसीए एंट्रेंस हो गया या आपका मेंस का एग्जाम हो गया, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे, लेट ए एंड बी टू सेट्स इन द सेम यूनिवर्सल सेट देन ए माइनस बी, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो अगर जो बच्चा प्रॉपर्टी जानता होगा वो उसको पता होगा कि ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, बट जो बच्चे को नहीं पता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ये देखिए, दिख रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? तो सबसे पहले क्या करना, लेट कर लिया हमने ए, 1 2 3 4। ठीक है, बी लेट कर लिया हमने 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी आप लोग क्या बोलोगे, ए में से बी वाले टर्म को हटा दो तो 1,2 बचेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था, जिस बच्चे को प्रॉपर्टी पता है वो डायरेक्ट सी ऑप्शन बोल देगा, बट जिनको नहीं पता है तो वो ऑप्शन वाइज चलेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या ए माइनस बी के बराबर होगा क्या? तो ए माइनस बी आपका 1,2 है और ए इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 3 4 कॉमन आ रहा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 3 4 और ए माइनस बी आपका है 1 2, नॉट इक्वल्स टू, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आता है ना निकालने के लिए, 1 2 3 4, 3 4 5 6, तो 3 4 3 4 कॉमन आ रहा था, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी 3 4 हो गया। ए माइनस बी हम लोगों ने करके देखा, दोनों बराबर नहीं आया। ठीक है, ऑप्शन बी आपको कह रहा है ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये बराबर होना चाहिए ए माइनस बी के। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका, ए पार्ट को हटा दो 1 2 3 4 हटा दो तो 5 6 हो गया। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब ये बी है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में 5 6 आ रहा है इंटरसेक्शन, और ए माइनस बी हमारा 1,2, तो ये भी इक्वल नहीं, ये भी गलत हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अब ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी है ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू, आपको बराबर करना है इसके, सॉरी यहाँ मैंने सेट का साइन लगा रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, रात काफी ज्यादा हो गई है, 1 बजने वाला है और मुझे नींद भी आ रही है। ठीक है, तो लाइक हो सकता है कुछ अगर गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो आप माइंड मत करना उसको। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश है, बस आप लोग के लिए जगह हूँ। ठीक है, बस आप लोग पढ़ाई कर लो यार अच्छे से, यही हमारा, मैं समझ लूंगा कि रात जगना मेरे लिए सार्थक हो गया। ठीक है, तो चलो ए इंटरसेक्शन बी डैश ये भी बराबर होगा ए माइनस बी के। ठीक है, तो ए माइनस बी तो हम लोग फाइंड आउट कर ही चुके हैं 1,2। ठीक है, तो चलो बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 को हटा दो तो 1,2, तो 1,2 ए और बी डैश, ए और बी डैश में आप मुझे बताओ कॉमन क्या दिख रहा है, तो 1,2 यहाँ 1,2, तो ये आ गया 1,2, देखो दोनों बराबर हो गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, जिसको प्रॉपर्टी था वो पहले पता चल गया, जिसको नहीं था तो उसने इतने क्वेश्चन इतने स्टेप सॉल्व करे,
और फिर उनको ऑप्शन सी मिला है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट अगर आप लोग रखते हो अपने पास, ठीक है, तो लाइक काफी अच्छा आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पाओगे फिर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, इफ ए एक सेट है 1 2 3 4 5, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज। काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले ए जो सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब पांच एलिमेंट है। अगर मैं बोलू नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करो, तो आप 2 रेस्ट पर n बोल दोगे, 2 रेस्ट पर 5 हो जाएगा। बट यहां पे क्या रहा था, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाता है, जो नंबर ऑफ सबसेट है उससे एक कम। एक कम मतलब 5 वाला पार्ट हटा देते हैं, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट होगा, तो 5 हटा देंगे तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्यों बराबर नहीं होगा ना फिर, तो ये हो गया 2 रेस्ट पर 5 -1, तो 2 रेस्ट पर 5 होता है 32 -1 31, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काफी आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, तो थर्ड को थोड़ा मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दूं स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये भी अगर फॉर्मूला याद होगा तो काफी आसान तरीके से कर पाओगे, है ना। तो चलिए करते हैं इसको। ए एक सेट दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, 1 2 एंड 3, और बी एक सेट दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 4 5, 3 4 5। तो आपको क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो आप लोग, सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है a - b यूनियन b - e। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख लो a - b क्या होगा भाई, तो a में से b वाले पार्ट को हटा दिया तो 1, 2 हो गया। फिर b - a देख लो, तो b वाले में से मैं a को हटा दिया तो 4, 5 हो गया। ठीक है, अब दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, a - b यूनियन b - a, तो क्या हो जाएगा, यूनियन में तो सारे एलिमेंट को लिखते हैं, जो बस रिपीट करता है उसको नहीं लिखते। ठीक है, तो लिख देंगे 1 2 4 एंड 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 5। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मेरा जो सेट्स का वन शॉट वीडियो मैंने बना रखा है, वहां अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट लगता है कि आपको नहीं आ रहा है तो वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ पी ऑफ ए डिनोट्स द पावर सेट ऑफ ए, देन ए इज अ वॉइड सेट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस। तो काफी लाइक आप लोगों को डरावना सा लग रहा है, ये क्या दे दिया है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, काफी आसान। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो ए एक सेट है 1, 2, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो आप क्या बोलो, 2 रेस्ट पर आंसर, 2 के पावर में 2, डेट इज 4। तो ये जो 4 हुआ वो हुआ कैसा, तो आप बोलोगे सर 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर 1 भी हो गया सर, 2 भी हो गया, एंड 1, 2 भी हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया जब हम लोग
ए निकाल रहे हैं, ठीक है, ये चार एलिमेंट हो गए इसके सबसेट। बट जब हम पावर लगा देते हैं ना पी ऑफ ए, तो इसको एक सेट के अंदर लिखना है ना। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो सबसे बोला ए इज अ वॉइड सेट, ए क्या बोला, ए इज अ वॉइड सेट, ले लिया मैंने वॉइड सेट, ठीक है। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए क्या होगा, एक सेट के अंदर इस वॉइड सेट को लिखना है। तो अब ये वॉइड सेट वॉइड नहीं रहेगा, ये एक एलिमेंट काउंट होगा। तो एलिमेंट कितना, एक एलिमेंट काउंट होगा, ठीक है। तो एक एलिमेंट काउंट हो गया, मतलब पी ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, ठीक है। तो फिर पी सेट पी ऑफ ए, ठीक है। तो पी क्या बोला मैंने, पी सेट पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए तो मेरा 1 है ना। तो पी लगाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जब पी हमने लगाया, जब पी हमने लगाया तो 2 रेस्ट पावर हम लोग क्या देख रहे हैं, वो उतने एलिमेंट देख रहे थे जितने एलिमेंट दे रखा था, ठीक है। तो हमारे पास एक एलिमेंट दे रखा है, तो 2 रेस्ट पर 1, तो 2 रेस्ट पर 1 क्या होगी, 2। तो अगर मैं आपको पी ऑफ ए अगर बोलूं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 2 एलिमेंट हुआ ना पी ऑफ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, पी ऑफ ए 2 एलिमेंट है, आगे पावर लग गया, तो मतलब 2 के पावर में 2, तो क्या लिखेंगे, 4। तो एट द एंड आपसे क्या पूछा था, एट द एंड आपसे पूछा था पी ऑफ ए, ये क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पी ऑफ मतलब 1 2 3, 3 पी पे हमारा 4 आ गया था, तो मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट 4 बता रहा है ना, 4 बता रहा है। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि आगे पी लगा हुआ है ना, तो फिर से क्या लिखोगे, 2 रेस्ट पावर 4, तो 2 रेस्ट पावर 4 क्या हो गया, 16 आ गया आंसर। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ए एक सेट था, उसका हम लोगों ने सबसेट नंबर ऑफ सबसेट निकाला, तो हमारे पास 4 एलिमेंट आ गए। इस 4 एलिमेंट को लिखा कैसे जाता है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, अगर पी पावर ऑफ सेट लगता है, तो जो भी एलिमेंट हम लोगों ने लिखा है वो एक सेट के अंदर आ जाता है, और फिर ये सिंगल एलिमेंट ट्रीट होने लगते हैं। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एक वॉइड सेट दे रखा था, तो जब हम पी ऑफ ए करेंगे तो वो सेट के अंदर आ जाएगा। तो सेट के अंदर आ गया, तो ये जो नल सेट, अब नल सेट नहीं रहा, एक एलिमेंट काउंट हो रहा है, तो यहाँ लिख दिया मैंने एक एलिमेंट। तो अब ये पी ऑफ ए आपका हो गया एक एलिमेंट, तो पी ऑफ ए मतलब इस पे पावर लग रहा है, तो एक एलिमेंट है, 2 रेस पर 1 हो जाएगा 2। फिर से एक और पी लगा दिया आगे, तो ये पूरा का पूरा 2 एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा 2 एलिमेंट है, तो पी, तो 2 के पावर में 2 4, ठीक है। अब फिर से एक और पी लग गया, तो ये पूरा का पूरा 4 एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा 4 एलिमेंट है, फिर पी लगा, तो 2 के पावर में 4, दैट इज 16। काफी आसान टेक्निक था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। पहले आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूं मैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है, लेट एस बी अ सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू, 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो
एक ए सेट दे रखा है, 1 2 3 4, आपसे पूछ लिया गया है कार्डिनलिटीज का क्या है, यही पूछा है ना, कार्डिनलिटी, तो कार्डिनलिटी 4 हो जाएगा, जितने एलिमेंट है उतने कार्डिनलिटी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा था, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, और पी पी क्यू आप लोगों को दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पी बाई क्यू का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लगेगा, बट अभी मैं उसको नहीं बताने जा रहा हूँ कैसे लगेगा, बट आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग अप्लाई करोगे, कॉम्बिनेशन लेवल कोई फॉर्मेट बता नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो जरा देखिएगा, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पी मैं 1 लेता हूँ, पी मैंने 1 चूज करा है, ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मतलब क्या हुआ कि ये 6 तरीके से आ सकता है, और ऊपर वाले को भी मैं 6 तरीके से चूज कर सकता हूँ, नीचे वाले को भी 6 तरीके से चूज कर सकता हूँ, और एक ही साथ आना है, तो 6 × 6 क्या हो गया, 36। अगर जिसको ये भी कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ में, तो कोई बात नहीं, हम आपको डाइस वाले कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। पी आपका दे रखा है 1 2 3 4 5 6, क्यू भी दे रखा है 1 2 3 4 5 6। पी बाई क्यू क्या बोल रहा है, एस बी द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, कितने अलग अलग फॉर्म पी बाई क्यू के आ सकते हैं, मतलब कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी, ठीक है। तो भाई अगर मान लो 2 डाइस है, नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो जब मैं उसका सैंपल स्पेस बोलता था निकालने के लिए, तो क्या आता था, 36 ही आता था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे पी वाई क्यू का ऑल डिस्टिंक्ट आपको निकालना है, वही तो बोल रहा है डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है, डिस्टिंक्ट नंबर निकालना है, और आपको दे रखा है पी क्यू दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो मुझे नहीं लगता है कि उस क्वेश्चन को आप समझने आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, जैसे डाइस में आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 डाइस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा सर, 36, मतलब 6 का स्क्वायर कर देते थे, या 6 × 6 कर देते थे, 36। तो उसी तरह यहाँ पे पी हमारा दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और क्यू भी दे रखा है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पी वाई क्यू करता हूँ, तो मान लो एक बार हम 6 में से मैंने चूज करना था, 1 चूज कर लिया, नीचे भी हमको कोई भी चूज करना था, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक चूज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करते 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 36 केसेस बनेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए होगा, या और भी आप लोगों को लगता है कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, या कोई क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है, तो प्लीज आप हमें बताना, और जल्द से जल्द हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स का आप लोग तक पहुंचाएंगे, मतलब क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों तक पहुंचाएंगे, हाँ ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, समझ जाओ बस, ठीक है। तो मिलते हैं संडे को लाइव सेशन में विथ डाउट क्लासेस, ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।